नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बेन स्टोक के रिटायरमेंट के बाद इस वक्त क्रिकेट जगत सन्न है, हिला हुआ है और लगातार बातें वनडे क्रिकेट को लेकर चल रही हैं कि वनडे क्रिकेट का क्या हो, क्या भविष्य है, क्या वनडे क्रिकेट में आने वाले दिनों में कुछ और खिलाड़ी भी रिटायरमेंट लेंगे। इस तरीके की तमाम बातें जो हैं वो बेन स्टोक के रिटायरमेंट के बाद शुरू हो गई हैं। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर वसीम अकरम का एक अजीब और गरीब बयान सामने आया है। वसीम अकरम के बयान ने एक अलग सवाल वनडे क्रिकेट को लेकर खड़े शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वसीम अकरम ने जो वनडे क्रिकेट को लेकर कहा है, जाहिर तौर पर उसको लेकर क्रिकेट जगत में तरह तरह के सवाल हैं, अलग अलग तरीके से लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, क्योंकि वसीम अकरम ने वनडे क्रिकेट को और T20 क्रिकेट को दोनों को कंपेयर करके एक बहुत बड़ा बयान दिया है। वसीम अकरम ने कहा है कि बेन स्टोक के रिटायरमेंट की खबर सुनकर मैं हैरान हूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि बेन स्टोक पर कितनी परेशानी होगी, वो किस तरीके से मैनेज कर रहे होंगे, किस तरीके से ज़्यादा वर्कलोड से वो परेशान होंगे। लेकिन इसी वक्त वसीम अकरम ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। वसीम अकरम का कहना है कि वनडे क्रिकेट को बंद कर देना चाहिए। अकरम का इसके पीछे तर्क है, अकरम ने इसके पीछे तर्क दिया कि आज के वक्त में T20 क्रिकेट ज़्यादा खेला जा रहा है। T20 क्रिकेट जो है वो केवल 4 घंटे का खेल होता है, उसमें ना खिलाड़ी थकते हैं ना कमेंटेटर थकते हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट पूरे दिन का खेल होता है। पूरे दिन में लगातार खिलाड़ियों को खेलना पड़ता है। उसके बाद में उन्होंने अपना भी एग्जांपल दिया, बोला कि मैच से पहले बोलना है, मैच के लगातार कमेंट्री करनी है, मैच के बाद में बोलना होता है, तो कमेंटेटर भी थकते हैं और पूरे दिन के खेल में वनडे क्रिकेट में खिलाड़ी भी थकते हैं, इसीलिए वनडे क्रिकेट को बंद कर देना चाहिए, ये वसीम अकरम का कहना है। वैसे वसीम अकरम ने कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट को हमेशा प्राथमिकता देता हूं और टेस्ट क्रिकेट हमेशा क्रिकेट के इन सभी प्रारूपों में सबसे ऊपर रहेगा। खिलाड़ी की पहचान भी टेस्ट क्रिकेट के तौर पर ही होती है, उसके अंदर कितनी क्षमता है, कितना वो काबिलियत रखता है, ये टेस्ट क्रिकेट से ही पता चलता है। लेकिन वनडे क्रिकेट को लेकर जो वसीम अकरम ने कहा है कि वनडे क्रिकेट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब T20 का जमाना है, T20 क्रिकेट जो है वो 3-4 घंटे में खत्म हो जाता है, तो खिलाड़ी भी ज्यादा नहीं थकते हैं, कमेंटेटर भी ज्यादा नहीं थकते हैं, जबकि वनडे क्रिकेट में पूरा दिन लग जाता है। तो इस वसीम अकरम का जो बयान है वनडे क्रिकेट को लेकर, जो उन्होंने T20 और वनडे को जो कंपेयर किया है, इसको लेकर आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है वास्तव में वनडे क्रिकेट अब खिलाड़ियों पर बोझ बनता जा रहा है, वनडे क्रिकेट खिलाड़ियों को थकाता जा रहा है और वनडे क्रिकेट से खिलाड़ी परेशान है? आपका जो भी मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।